भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड गावस्कर ट्रॉफी 9 नवंबर से भारत में शुरू होगी। टेस्ट सीरीज इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए उनकी क्वालिफिकेशन चेंजेस को इम्पैक्ट करेगी। ऑस्ट्रेलिया 75.56 पीटीसी पॉइंट के साथ नंबर 1 पर है, जबकि भारत 58.93 पीटीसी पॉइंट के साथ नंबर 2 पर है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। भारत अगर पैट कमिंस की अगुवाई वाली टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है या ड्रॉ करवा देता है तो फाइनल में पहुंच जाएगी। चलिए आज के वीडियो में मैं आपको कुछ प्लेयर के बारे में बताऊंगा जिन पर सबकी निगाहें रहेंगी, जो मैच विनर के रूप में उभर सकते हैं। रविचंद्रन अश्विन। भारतीय पिचेस और अश्विन किसी इंट्रोजेक्शन के मोहताज नहीं हैं। अश्विन ने 88 मैचों में 449 विकेट लेकर टेस्ट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। दिलचस्प बात यह है कि 449 विकेटों में से 312 विकेट इंडिया के पिचेस पर लिए हैं। कोहली की तरह ऑस्ट्रेलिया अश्विन का फेवरेट अपोनेंट है। अश्विन ने 18 मैचों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 विकेट लिए हैं, जो किसी भी अन्य अपोनेंट के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट हैं। भारत के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं अश्विन। देखने लायक होंगे कि क्या वह सीरीज में बॉल या बैट से करिश्मा दिखा पाते हैं या नहीं। मार्कस लम्बुचेन। दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज मार्कस लम्बुचेन का हालिया परफॉर्मेंस खुद के लिए बोलता है कि वह इंडियन गेंदबाजों के लिए क्यों खतरा है और टीम की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन करने की पॉसिबिलिटी है। लम्बुचेन 15 मैचों में 1265 रन के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रन के मामले में वह 5वें नंबर पर हैं। लम्बुचेन अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म पर हैं और उन्होंने 2022 में 11 मैचों में 957 रन बनाए। लम्बुचेन ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टेस्ट सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीता और 502 रन के साथ हाईएस्ट स्कोरर रहे। चेतेश्वर पुजारा। पुजारा इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि किसी खास फॉर्मेट में कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। रेड बॉल बल्लेबाजी के उस्ताद पुजारा ने पिछले एक दशक में कई बार अपनी काबिलियत साबित की है। हाल ही में पुजारा ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने करियर का सबसे तेज शतक लगाया और शतक के सूखे को समाप्त किया। पुजारा को घरेलू धरती पर किसी भी इंट्रोजेक्शन की आवश्यकता नहीं है। पुजारा हाल ही में समाप्त हुई बांग्लादेश सीरीज में हाईएस्ट स्कोरर थे। उन्होंने 70 के औसत से रन बनाए। पुजारा को ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पुजारा देखने लायक होंगे कि क्या वह बैट से सीरीज में करिश्मा दिखा पाते हैं या नहीं। नेथन लायन। भारत के लिए सबसे बड़े खतरे में से एक एशियन कॉन्टिनेंट में उन्हें मिलने वाली कंडीशन को देखते हुए गेंद बल्लेबाजी को पसंद करने से ज़्यादा टर्न लेती है। लियोन 115 मैचों में 460 विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया के तीसरे सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया की 2-0 से सीरीज जीत के की कंट्रीब्यूशन में से एक हैं। पिछले 5 मैचों में लियोन ने 22 विकेट लिए और सभी ऑस्ट्रेलिया टर्फ पर आए थे, जहां स्पिनरों के लिए मिनिमम सपोर्ट होता है। इस प्रकार भारतीय बल्लेबाजों को लियोन की एबिलिटी से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत उनका दूसरा पसंदीदा अपोनेंट है। लियोन ने भारत के खिलाफ 90 विकेट लिए हैं और उनकी मेजर सेंचुरी मारने पर होगी। विराट कोहली। भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली सफ़ेद गेंद के फॉर्मेट में शानदार फॉर्म में हैं। कोहली ने पिछले 5 पारियों में 3 शतक लगाए, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट में उनकी मंदी को समाप्त करने में मैनेज नहीं हुई है। हालांकि बिग स्टेट इवेंट और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली की एबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता। विराट कोहली ने 104 मैचों में 8100 रन बनाए हैं और ऑस्ट्रेलिया उनके दूसरा पसंदीदा अपोनेंट हैं, क्योंकि कोहली ने सिर्फ 20 मैचों में उनके खिलाफ 1500 से अधिक रन बनाए। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 शतक लगाए, जो किसी भी अन्य टेस्ट टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा हैं। कोहली देखने लायक होंगे कि क्या हुआ सीरीज में बैट से करिश्मा कर दिखा पाते हैं या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।